गुड़गांव और फटाफट चलते हैं, नहीं तो जो हमारी पहली गाड़ी की डिलीवरी होनी है गुड़गांव से वो ना हो। हमें पता नहीं है कि हमारी डिलीवरी पहले होती है या नहीं होती, बट फिर भी हमने अपना लैपटॉप वगैरह साथ ले लिया ताकि जो हमारी डिलीवरी है उसकी वीडियो, चाहे डिलीवरी पहले ना हो लेकिन उसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे पहले डल जाए। भाई कैब में तो हम आ गए, मम्मी ना मेरे पीछे पड़ गई कि तू ना ऐसा लग रहा है जैसे तेरे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, मतलब भाई सारे ब्लैक मतलब रोके के लिए जा रहे हैं, सारे ब्लैक में तैयार हुए हैं लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही जा रहा हूँ, मतलब मेरे रिश्ते के लिए जा रहे हैं। तूने पिंक पर हम सारे ब्लैक हैं, तू एक पिंक है, फील भी ऐसे हो रहा है रोके के लिए जा रहे हैं। लड़की कौन सी है बताओ यार, मैं खुद इनके भरोसे बैठा हूँ, कम से कम एक बच्चे ने तो बताया कि हमारे भरोसे बैठा है, और नहीं तो क्या, ये तो है क्या सोचे बैठे कि मैं मतलब अपने आप कराऊंगा। यार मेरे को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखी है ना कि मैं ऐसे मतलब बयान कर नहीं सकता शब्दों में, ये ना सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो समझ सकते हैं, जैसे कोई कार लवर या बाइक लवर हो गए ना वो ही समझ सकते हैं कि भाई कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब आपके पास एक नई गाड़ी आ रही, नई बाइक आ रही, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। वो भी नई लॉन्च हुई हो, मतलब एकदम लेटेस्ट और सबसे पहले आपको मिल रही हो, है वो भी सबसे पहले। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी ना, मैं रात को 6 बजे सोया, मेरे को नींद आ नहीं रही थी, जब हो गया कि मतलब सॉरी सुबह 6 बजे सोया, फोन जब मेरे मुंह पे गिरा ना तब जाके मेरे को नींद आई है, और 7:30 बजे पापा ने भी उठा दिया कि चलो तैयार हो। वैसे हर किसी को एक्साइटमेंट होती है नई गाड़ी की, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं भाई को उठा के इधर बिठा दूं और मैं गाड़ी चलाऊं फटाफट पहुंच जाए लेने के लिए। भाई वेन्यू पे तो हम पहुंच गए, यहाँ पे ना इतनी सारी ब्लैक ब्यूटीज खड़ी है ना, देख के दिल खुश हो गया। बाकी अब पहले बात कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, तो फिर आगे आपको बता देंगे क्या सीन है। पर वक्त तो सारा हमारा हो गया, अब ना कुछ खा पी लेते क्योंकि घर से कुछ खा भी नहीं निकले थे, तो उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम कर रखा खाने वगैरह का, तो खा लेते फायदा क्यों ना है। शादी वाली फील आ रही है, आप तो रोके की बात कर रहे थे, फील हो ही आ रही है। सारा कुछ सामान लगा रखा है भाई, भाई गाड़ी हमारी डिलीवरी के लिए लग चुकी है और इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना अंदर से ही, तो देख के दिल खुश हो गया एकदम। था कि कोई गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब कि जिससे एक तो लग्जरी भी हो और अगर कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह करने जाते तो वहाँ पे गाड़ी मतलब उसको दिक्कत भी ना हो गाड़ी चलने में, तो अच्छे से सारा कुछ हो जाए। अच्छा जैसे आपने बताया ऑफ रोडिंग, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो नेक्स्ट ऑफ रोडिंग करेंगे इस कार के साथ, फर्स्ट ऑफ रोडिंग कहाँ पर जाएंगे? हमारा फिलहाल तो हमारा सर पहले हमारा प्रोग्राम बन चुका है, पहले प्लान डन हो चुका है हमारा गाड़ी आने से पहले। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने यहाँ से वहाँ तक देखा, स्टार्टिंग से लेके और एंड तक आपका जो सफर रहा कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस ही है। जैसे आप जैसे आपकी पहले बात हुई थी कि मतलब शोरूम से गाड़ी बहुत की है लेकिन एक ऐसी जगह से जहाँ से इकट्ठे नई नई कार हो रही है, बहुत मुबारक आप लोगों को, थैंक यू सो मच। बोले सोनियाल सत श्री अकाल। हाँ जी, तो फाइनली गाड़ी की डिलीवरी हमने ले लिया, भाई साहब खुशी इतनी ज्यादा हो रखी है ना कि यार बस क्या ही बताया। तो बाकी अब सबसे पहले हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि यार उनकी कृपा हुई है तभी तो हमारी ये गाड़ी आई है, और फिर देखो फिर अगर कहीं घूमने जाते हैं तो बाकी आपको व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। भाई मम्मी तो इमोशनल हो गई, क्या हो गया? अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है, अभी तो शुरुआत है भाई, मम्मी हमारी इमोशनल हो चुकी है।
क्या कह रहे हो, अभी तो बहुत कुछ आना है। अम्मी नेक्स्ट क्या आना है ये बताओ। अच्छा घर आना नेक्स्ट सोफे नेक्स्ट छोटी सोफे में डिगे हुए नहीं मम्मी की इच्छा है। मम्मी की इच्छा आप सोफे की है, पहले सोफे की थी बट पहले गाड़ी आ गई है। सोच रहे हैं मम्मी, हम बड़ा सोच रहे पापा कहते सोफे। कोई नहीं भाई, सारे इमोशन मानता हूँ मैं, ठीक है तेरी शादी के लिए आया है, विदाई थोड़ी है तेरी, तू रोने लग गया भाई। गगन भी रोने लग गया, सारे रोने लग गए हैं। नहीं मम्मी और गगन रो रहे हैं। नहीं रो रहा है? नहीं नहीं मैं नहीं रो रहा। फिर इतनी उम्र है ना, 21 चोरी चकारी नहीं करनी किन्ने किन्ने बड़े काम करने ने। हां जी तो फाइनली गुरुद्वारा साहब हम पहुंच गए, फटाफट से अंदर चलते हैं, मत्था टेकते हैं। भाई गुरुद्वारे से मत्था टेक के गाड़ी की अरदास करा के हम आ गए सीधा लाजपत नगर। लाजपत नगर क्यों आए हैं? क्योंकि हमने ना गाड़ी के जो साइड वाले सनशेड हैं वो लेने हैं, वो चेक करने के कितने के मिलते हैं। करोल बाग में तो लाइट पहले बिकने लगी थी, आ गई थी है नहीं। चलो कोई नहीं, आपकी दुकान लो जी यार, सनशेड चाहिए तो है ही नहीं। अब हम तो गाड़ी पे गेड़ा मारा है और हमारी छोटी माँ जो है ना वो भी आ गई है भाई। इतनी बड़ी चीज लिए तो घुमाना भी बनता है ना, है ना। अब आगे 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 बैठ लो। ठंडा ठंडा लग रहा है इसको, एसी की बढ़िया ये नहीं है, गाड़ी बढ़िया ये ठंडा ठंडा लग रहा है। ऊंचा ऊंचा लग रहा है, बहुत ऊंचा नीचे तो बहुत ऊंचा है। टीवी है ना? हाँ टीवी चल रही है, तेरी शक्ल भी है। और ये गाड़ी घूम रही है, और ये संटो मंटो खड़ी है। अब तो पूछते नहीं उनको है। बोले ना ब्लैक कलर आई है, मैंने बोला था ना ब्लैक कलर की। मुझे पता है कैसी लगी? वो महिंद्रा का करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से उन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया था और जो गिफ्ट्स वगैरह दिए इन सब के लिए थैंक यू सो मच, इन सब के लिए थैंक यू। और भाई साहब गाड़ी चला के जो मतलब बस यार आज ना एक्सप्रेशन आप मेरे समझ जाओगे, एक्सप्रेशन समझ जाओ, मैं ना कुछ इतना बोल नहीं सकता, बस भावनाओं को अंदर से समझो। तो बाकी आज के श्लोक करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।